हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शाही ब्रेड। देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, हमें इसके लिए चाहिए ब्रेड, चाहिए शक्कर, चाहिए और ये मैंने इलायची 2-3 पीस के रखी हुई है। अब पहले हम इसकी चाशनी बना लेंगे। देखिए, मैंने चाशनी के लिए 1 कटोरी पानी पहले से उबाल के रखा है। अब मैं उसमें डाल दूंगी शक्कर और ये इलायची पाउडर दोनों। अब हम इसकी चाशनी, एक तार की चाशनी बनाना है। अभी हम कटर से इसको ब्रेड को काटेंगे, किसी भी शेप में काट लें। इसमें के सांचे भी मिलते हैं, बड़े मिले तो ज़्यादा अच्छा, ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा गोल गोल इससे काट लेंगे। चाहे आप इसको चौकोर भी काट सकती हैं, छोटे छोटे। ये मैंने जैसे छोटे वाले काट के रखे हैं इस शेप में, बहुत छोटे होते हैं ये, बड़े सांचे मिले तो ज़्यादा अच्छे। चाहे इसको हम इस शेप में भी काट सकते हैं, चौकोर में। इसका वेस्टेज फेंके नहीं, इससे पोहे बहुत अच्छे बनते हैं इसके ब्रेड के। तो आप पोहे बना सकती हैं इससे, चाहे तो खीर बना सकती हैं, खीर भी बहुत अच्छी बनती है इसकी ब्रेड की। लीजिए, तैयार हो गई हमारे 1 तार की चाशनी। हम इसको अलग हटा देंगे और ब्रेड को डीप फ्राई करेंगे। शुद्ध थोड़ा घी गरम हो जाए, ये शुद्ध घी है, शुद्ध घी में बना रहे हैं और इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह ब्राउन करेंगे इसको। अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, सिक जाए अच्छे से, तब हम इसको एकदम चाशनी में डालते 10 सेकंड में निकाल लेंगे इसको। देखिए इस तरह से सिक जाएगी। हम दूसरी डाल देते हैं इसमें। अब हम उसको निकाल लेते हैं, उलट के एक बार उलटते हैं इसको। हम इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा देर रखेंगे तो ये टूट सकती है, इसलिए हम 10-10 सेकेंड उलट पुलट के इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो गरम गरम ही उसमें चाशनी में डालें। ये देखिए, हमने इसको तल लिया है और चाशनी में इसको भिगो लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए सेट करने रख देंगे फ्रिज में, फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखें,
ये हमने फ्रिज में सेट करने के लिए रखे थे, ये हो चुके हैं। अब हम इसको डेकोरेशन के लिए, अब इसको गार्निश करने के लिए हमने क्रीम लिए फ्रेश, और ये शुगर लिए पिसी हुई, और बादाम लिए हैं कुछ कटे हुए आधे आधे भाग में। अब हम इसमें थोड़ी सी शुगर मिलाएंगे, हल्की सी, क्योंकि हमारा वैसे ही वो मीठा है, इसलिए हम हल्का सा इसको मिलाएंगे, इसके गार्निश करेंगे इससे। इसको रबड़ी में भी बहुत अच्छी लगती, रबड़ी में डालें तो। देखिए ये क्रीम लगा दिया हम इसमें गार्निश के लिए, बादाम रखते हैं। ये देखिए हमने तैयार कर दिए हैं सारे, अब इसको वापस हम फ्रिज में रखेंगे और सेट करेंगे। मेहमान जब आए तो ठंडा ही सर्व करें और ठंडा ही खाएं, आप भी खाएं, खिलाएं और मौज मनाएं।